गाइस, जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने यह अनाउंसमेंट किया था कि क्लास 10 एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, वहीं जो एक अंदाजा है, स्पेकुलेशन है, वो लगाया जाना शुरू हो गया था कि आखिरकार कब तक क्लास 10th के रिजल्ट निकल जाएंगे, आउट हो जाएगा। तो गाइस, बहुत बड़ा हम आपको अपडेट देने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई रिजल्ट के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे सबका अधिकार है। तो गाइज, यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट एक तरह से जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जो क्राइटेरिया सेट किया कि प्रमोट तो सबको किया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन बच्चों को पास करना है तो कोई बेस होना चाहिए। डायरेक्ट जनरल प्रमोशन ऐसे नहीं दिया जा सकता, जनरल प्रमोशन का भी कुछ बेसिस होता है। तो वो बेसिस जो है, बेस जो तैयार करने का कोशिश किया गया, उसी को कहा गया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम, ठीक है, या आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस, जो मैंने आपको 2-3 वीडियोस दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में देखना, वहां आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां डिटेल से एक्सप्लेन है। ओके, तो यहां पे अब यहां पे पहले तो देखो, अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है तो बच्चों को एक हड़बड़ाहट तो है, क्योंकि अब बच्चे चाहते हैं कि वो क्लास 11 में जा रहे हैं, तो उनको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, पढ़ाई शुरू करना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है, तो एक हड़बड़ाहट है। और इसलिए बहुत सारे बच्चे सवाल मुझसे कई दिनों से पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिएगा क्लास 10 का रिजल्ट के बारे में। तो मैं आपको देखो एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आपको दे दे रहा हूं। सबसे पहले बात यह कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने 15 पॉइंट्स को डिसाइड किया है, ठीक है, 15 पॉइंट्स को डिसाइड किया है, और उसके बेसिस पे जो है वो स्कूलों से, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूलों से रिजल्ट मांगा गया है, उनसे कहा गया है कि भाई आप अपना रिजल्ट को जो है वो सबमिट कीजिए, ठीक है। अब ये 15 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे कि भाई जो बेस होगा वो कहीं प्रीबोर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रीबोर्ड जो है वो अच्छे नहीं गए, या प्रीबोर्ड में कोई एक दो सब्जेक्ट जो है वो अच्छे नहीं गए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 15 पॉइंट में प्रीबोर्ड है, ऑब्वियसली है, होना भी था, क्योंकि एक मेन एग्जाम होता है प्री बोर्ड, लेकिन इतना बड़ा भी मेन नहीं है कि आपको उसके चलते डिटेन किया जाएगा, रोका जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला तो जहां तक अभी तक मेरे पास में ऑफिशियल से, जो सीबीएसई ऑफिशियल से जो मैंने कल बात किया था करीब शाम 4-5 बजे आसपास मेरे ख्याल से, तो अपडेट ये निकला था कि फेल तो कोई नहीं होगा, ठीक है, फेल होने के चांसेस नहीं है। हाँ, मार्क्स कम ज्यादा होने की वजह से जो स्ट्रीम सिलेक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि रिजल्ट कब तक, ठीक है, तो रिजल्ट देखो बच्चों, यहां पे मामला क्या है आप सभी बहुत ध्यान से समझना, सीबीएसई कोई एक दो स्कूल्स या एक दो स्टेट तक सीमित नहीं है, ठीक है, सीबीएसई से जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं वो देश भर में फैले हुए हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं जेई नीट या एनटीएससी की, देन नाउ है यू ऑल हैव अ चांस टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन एंड इम्प्रोवाइज एज वेल। सो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंडियाज बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आपके लिए लाया है फ्री फॉर ऑल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8-10 विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2nd of May 2021। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एनरोल नाउ इन अन अकेडमीज फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो कि कंडक्ट होने वाला है 2nd of May 2021। ना सिर्फ इतना, आप सभी को मौका मिलेगा अन अकेडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को जीतने का, साथ ही आपको मिलेगा ढेरों डिस्काउंट्स भी। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4-7 विल गेट 75% स्कॉलरशिप, रैंक 8-15 विल गेट 50% स्कॉलरशिप, एंड रैंक 16-30 विल गेट अ चांस टू विन 25% स्कॉलरशिप। तो गाइज, तुरंत कीजिए खुद को एनरोल और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस मेगा इवेंट, जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब दिक्कत यह है कि ये जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं देश भर में, इनमें से कई स्कूल्स अभी ऐसे जगह पर हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटक है। तो यहां पे कई जगहों पर ऐसा क्या है ना कि वहां पे अभी जो है डेटा फेच करने में दिक्कतों का सामना थोड़ा सा करना पड़ रहा है स्कूल्स को। 15 पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली देखो, सीबीएसई अपने आप से तो मार्क्स देगा नहीं, उसे किसी स्टूडेंट के बारे में कोई कुछ नहीं पता सिवाय एक नाम के, एक रोल नंबर के, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। स्कूल्स को बताना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट कैसा है पढ़ाई में या क्या है, वो 15 पॉइंट्स में कहां खरा उतरता है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को
भेजने में या पहुंचने में सीबीएसई तक, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और स्पेशली प्रॉब्लम कहां आ रहा है मैं आपको बता दूं कि जो भी दूर दराज के क्षेत्र है, रिमोट एरियाज, वहां पे सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि वहां पर कई कई जगह ऐसे हैं, देखो देश भर में कई ऐसे जगह हैं जहां पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू ही नहीं हुए। शायद अभी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों की भी क्लासेस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे वॉइस मैसेज में भेजा था कि सर जून जुलाई अगस्त से शुरू है। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के कुछ का तो कहना था कि सर अगस्त क्या सितंबर के बाद एंड से हमारा क्लास शुरू हुआ था, तो दिक्कत तो है। और कई जगह ऐसे भी हैं जहां ऑनलाइन क्लास हुआ ही नहीं, या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्टफोन का इशू था, डेटा का इशू था, पैसों का दिक्कत था, तो उन्होंने एक भी क्लास नहीं किया। अब उनका डेटा एक साल का कैसे क्रिएट किया जाएगा, इस पे सारा सारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो मतलब यह है कि सीबीएसई के पास में अभी पूरे डेटा जो है वो पहुंचा नहीं है। तो इसीलिए सीबीएसई इस पे क्राइटेरिया सीबीएसई ने सेट किया है, उन्होंने इन स्कूलों को टाइम दिया है कि भाई आप जो है वो बच्चों से कुछ तो डेटा फेच करना होगा ना, तो कुछ असाइनमेंट ले लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन टेस्ट अब ले लीजिए। ठीक है, किसी भी रूप में, क्योंकि ऑफलाइन तो बुलाया नहीं जा सकता, स्कूल कॉलेजेस तो पूरे देश भर में बंद है, तो फिर किसी ना किसी तरीके से आप कुछ डेटा निकालिए, या तो प्रीवियस रिकॉर्ड, मतलब नाइन्थ क्लास में अगर कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप मार्क्स दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि दिए बिना सीबीएसई अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से कंफर्म है। ठीक है, तो मतलब ये कि एक तरह से आप कह सकते हो कि सीबीएसई जो है ईगरली डेटा का वेट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखो सब बच्चों को क्लास 11 का प्रिपरेशन करना है, ये बात सही है, ऑल पास होंगे ये जहां तक मेरी जानकारी है होना चाहिए। अब किसी के ऊपर में स्ट्रेंज एक्शन लिया जाएगा तो मुझे नहीं मालूम। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है देश भर में कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां स्ट्रीम सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है कई स्कूलों में, मतलब बांटा भी जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर मैं खुश नहीं हूं, मैंने आप लोगों को एक क्लिप भी दिखाया था जिसमें कि अजीब सा क्राइटेरिया सेट कर दिया है मार्क्स का। ठीक है, जब एग्जाम हुआ ही नहीं तो मार्क्स का क्राइटेरिया सेट करने का लॉजिक नहीं बनता। लेकिन अगर आप पढ़ते रहना चाहते हो बच्चों, तो कुछ आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसको आप पढ़ना तब तक 11 क्लास का शुरू कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश हो गया जो कि मोस्टली कॉमन रहेगा। अगर आप साइंस, मैथ्स, साइंस और कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो मैथ्स आपका कॉमन रहेगा। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप उनको अभी फिलहाल के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो आप अपने प्रिपरेशन में जा सकते हो, या जब तक आपका पूरा अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, या मान लीजिए आपके स्कूलों में अभी स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो 10th क्लास का जो भी पोर्शन आपका छूटा है और किसी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना चाहते हो तो YouTube के किसी वीडियो के थ्रू से आप उसे क्लियर कर लो। ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो इलेक्शन के वजह से थोड़े इश्यूज हैं अभी। ठीक है, तो मोर ऑर लेस मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट जो है, अगर 15 दिन 20 दिन मान लें कि इन स्कूलों से डेटा जाने में लगेगा सीबीएसई तक पहुंचने में, तो मान के चलते हैं कि शायद मई का चौथा सप्ताह, मतलब मई का लास्ट वीक में रिजल्ट आपका आ सकता है, या तो जून के फर्स्ट वीक में, ये ऐसी संभावना अभी निकल करके आ रही है। ठीक है, और आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो बस अब आप लोग कैरी ऑन रहो और प्लीज यार अब हमसे जुड़े हुए रहो। आप लोग अभी अभी रिलैक्स नहीं होना है, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपको देना बाकी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाले वीडियोस को देख लेना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको कैसे लेने हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो देने वाला हूं। सो एकदम तैयार रहो, क्योंकि हम आपको देते हैं एकदम जो इस वक्त समय की मांग है, वो लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, एवरीथिंग। तो आपको क्या सब्जेक्ट रखने से आप कैसे बनोगे वो मैं सारा चीज आपको बता दूंगा। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि पूरे YouTube पे ऑथेंटिक चैनल सिर्फ और सिर्फ यही चैनल है। सो प्लीज गो फॉर दिस। और टेलीग्राम और ट्विटर पे आप फॉलो कर लो, लिंक ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, तुरंत आप फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के एग्जाम कैंसिलेशन में भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इस चैनल का भी, फॉर स्टडीज का भी। तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।